अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से अच्छे होंगे। आज का मेरा होम व्लॉग डाल रही हूँ, आप लोग देखिए कैसा लगता है, मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। और मेरा दूसरा चैनल है फरहत मैरिज फिरो होममेड कुकिंग, वो भी ज़रूर देखना, उसमें भी बहुत सारे मेरे वीडियो है। वो उस चैनल में मेरे ज़्यादातर शादियों के वीडियो है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा होम व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ मेथी की भाजी और कोथमीर मिक्स करके दोनों बना रही हूँ चिकन डाल के। ये देखिए मैंने हरी मिर्ची दरदरी सी कूट ली हूँ और उसमें ये हल्दी पाउडर डाल के थोड़ा अच्छा सा मिर्ची को मैं भून ले रही हूँ। ये देखिए अभी ये इसमें जाएगा नमक, नमक डाल रही हूँ। ये देखिए ये कोथमीर और मेथी की भाजी, ये दोनों मिक्स रखी हूँ मैं धोकर। यह देखिए थोड़ा सा ये मसाला हमारा भून जाए तो फिर अभी मैं डालूँगी इसमें लहसुन पेस्ट। ये देखिए ये लहसुन का पेस्ट है, ये लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा इसको भी हमें भून लेना है। और फिर इसके बाद हम डालेंगे चिकन। चिकन को मैंने क्या की थी कि ऐसे डालेंगे ना चिकन फिक्का ही लगता है, तो मैंने क्या की चिकन को थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक डाल के उसको एक भाप में मैंने थोड़ा सा उबाल लिया, यानी थोड़ा सा उबाल कर फिर इसको डाल रही हूँ ताकि उसमें चिकन में नमक अच्छे से पकड़ जाए, क्योंकि मेथी की भाजी कड़वी होती है तो चिकन में नहीं नमक लगता है मेथी की भाजी का, इसलिए मैंने अलग से चिकन को उबाली हूँ। और ये देखिए अभी मैं चिकन को भी डाल के हल्का सा थोड़ा सा भून लेती हूँ, ये हमारा थोड़ा सा मसाले के साथ भून जाए तो फिर हमें डालना है इसमें भाजी। मैंने भाजी को अच्छे से दो तीन पानी से धो के रख दी हूँ, अभी उसको हमें ये चिकन में डाल देना है। ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा चिकन के साथ में भून गया है, अभी ये देखिए अभी हमें डालना है भाजी। मैंने लाई थी दो गुंडी मेथी की भाजी और एक गुंडी कोथमीर, इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे ना बहुत अच्छी पकती है। चाहे तो हम बड़े के गोश्त में बनाएं, फीमे में बनाएं तो भी अच्छी लगती है ये। और मैं आज बना रही हूँ चिकन में, मैं तो ज़्यादातर बड़े के गोश्त में और खीमे में ही बनाती हूँ लेकिन आज बना रही हूँ मैं चिकन में। चलिए देखिए, ये देखिए ये हमारी चिपड़ी आके खड़ी है शिफा, और ख़ुद खा रही है चिप्स और मुझे दिखा रही है और बोलती कि इतना टेस्टी है इतना, क्योंकि मैं चिप्स खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये खट्टे चिप्स खाना टमाटर वाले, तो मुझे दिखा दिखा के खा रही है, बोलती देखो ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया, अब ये खाली पैकेट कौन खाएगा, ऐसे मुझसे पूछ रही है। नहीं मैं बोली तू खा और कौन दूसरा खाने वाला है खाली पैकेट। ये देखिए ये हमारी भाजी अभी पक रही है, अभी हमें इसमें डालना है मसूर की दाल। मसूर की दाल डालने से क्या होता है ना, भाजी की कड़वाहट भी कम हो जाती है, कड़वापन उसका, और क्वांटिटी भी हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और मसूर की दाल डालने से भाजी थोड़ी टेस्टी लगती है। हम गुलबर्गा वालों को आदत है हर भाजियों में मसूर की दाल डालने की, चाहे वो हरी प्याज हो, अपना सोया पालक जो भी भाजी है, हम लोग ज़्यादा हरी भाजियों में मसूर की दाल डालकर ही बनाते हैं क्योंकि हमें ये ही अच्छी लगती है मसूर की दाल की, क्योंकि पहले से हमें वही आदत है खाने की, इसलिए हमें ऐसी मसूर की दाल डालकर ही पका के भाजी खाने की आदत है। अभी किसी के घर जाते हैं वो भाजी खाते हैं जिसमें दाल नहीं रहती तो हम लोग को अजब से लगता है, लेकिन खा लेते हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अलग ही टेस्ट लगता है क्योंकि पहले से शुरू से बचपन से मसूर की दाल वाली ही भाजी हम खाए हैं, इसलिए हम लोगों को वो ऐसी दाल वाली ही भाजी खाना पसंद है। अभी हम लोग ने हमारे बहुओं को बेटियों को सबको भी हमने यही सिखाए ऐसे ही पकाने का कि भाई दाल डालो तो उसमें क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, थोड़ा भाजी का टेस्ट भी अच्छा बन जाता है, अगर गोश्त नहीं डाले कीमा नहीं डाले तो भी उसमें हम दाल डालकर ही बनाते भाजियों में, बिना गोश्त के भी बनाएंगे तो दाल डालते हैं कि दाल डालने से भी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इस वजह से दाल डाल के ही बनाते हैं तो थोड़ा भाजी अच्छी लगती है क्योंकि एक आदत सी बन गई ना। ये देखिए ये अभी अभी हमारी दाल गलने के लिए हमें गैस को थोड़ा स्लो करके ढक्कन ढक के रख देना है, एक 5 मिनट रख देंगे तो हमारी दाल अच्छी सी गल जाएंगी, यानी हमारी दाल अच्छी होना चाहिए। ये देखो ये खाने बैठे हैं तो बिल्लियाँ कैसे बैठी क्या कर रहे? अरे बेटा देखना बॉटल धोने की है और ये मेरी मोहरी का है ना फ्लफी चला गया है, इसके वजह से मुश्किल हो रही है। हम लोगों की क्या है ना बेसन में है ना पानी नल का नहीं आता है,
वो टाकी का पानी आता है तो हम लोग नहीं लेते हैं, इसकी वजह से हम लोग को मोहरी में ही बैठ के बॉटल धोना और भरना पड़ता है। यहाँ हम लोगों का अलग से नल लिया हुआ है, बस उसी से हम लोग पीने के पानी भर लेते हैं। पीने का पानी हम लोग टाकी के उससे नहीं भरते, हमारा अलग से म्यूनसिपैलिटी का डायरेक्ट है उससे भरते हैं। तो ये मुश्किल होती है कि हम लोग को यहाँ पर मोरी में बैठ के ही बॉटल भरना पड़ता है, धोना पड़ता है। खिलौने की बाल्टी में क्या है? ये खिलौने की बाल्टी, अभी तू नहीं खेलती तो इसके लिए एक विम बार डाल के मैं ये बॉटल से बॉटल सब घस रही हूँ, विम बार डाली हूँ ना उसमें। अभी क्या करे, अभी तू तो खेलती भी नहीं है, कहीं जाओ तो भी नहीं खेलती, ना ही तू घर में खेलती है, तो तेरे खिलौने को काम में ले लेंगे ना। देखा से सब बॉटल अच्छे से धो के भरना बेटा। तू तो कभी किसी दिन मेरी मदद करती ही नहीं कि चलो दादी अकेले है तो मैं दादी की मदद करूँ, नहीं बोलती नहीं तो मेरा ऐसे सोचती कभी कि मैं दादी की मदद करूँ, नहीं सोचती कभी। दरवाजा बंद है कि नहीं बेटा? बंद है। सही बोल रही ना? हाँ। देख नहीं तुम मालूम भी नहीं पड़ेगा कोई आया घर में। अभी जापन है ना तू, बात में। अरे दादी ढक्कन भी कोई घसता है क्या? अच्छा ढक्कन नहीं घसकी क्या, सिर्फ कोई बॉटल ही घसेगा पागल? ढक्कन के अंदर देखा ऐसे साइड में पूरा मैला लगा रहता है, तो पहले तो ढक्कन ही धोना है। ढक्कन ऊपर से अच्छे लगेंगे तो कोई पानी पीने वाला ना बोलेगा हाँ अच्छी बॉटल है, ढक्कन गंदे रहेंगे ना तो कोई भी पानी पीने के लिए घिन कर देते, समझी क्या? ये देखिए हमारा बिल्ली बैठा है उधर। वो लोग तो पहले सोचते कि हम लोग को भी साथ में आने दो काम करने के लिए। सल्लू ये देखो किस अपने हाथ चट रहे। सल्लू का नाम सल्लू है, सलमान खान का सल्लू, पर ये लड़की है छोटा था तो हम लोगों ने सोचे कि ये लड़का है तो हमने उसका नाम रखे सल्लू, जब बाद में पता चला तो ये सल्ली हो गई सल्लू गया सल्ली बन गई है ना देखो कैसे देख रहे कैमरे में का नाम हो गया सलमान का सल्लू। अब क्या करेंगे, सल्ली नहीं बोलते हाँ, गलत बोलते हैं, जो हो गया नाम हो गया, हम लोग सल्लू ही बोलेंगे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, हम लोग तो सल्लू ही बोलते हैं। बार में से लड़का निकल जाता है, तू क्या कर रहा है सल्लू? हाँ तो क्या हो गया, चलता है, तू क्या कर रही है सल्लू? ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब बोले, चलता है, एक बार नाम पड़ गया। अब उन लोग का नाम हम बदलने जाएंगे ना बेटा तो वो परेशान होते कि नए नाम से बुलाओ तो वो लोग नहीं वो करते। अभी देखो सल्लू सल्लू ये पानी देख रहा है ना बेटा, ए सल्लू 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 रुक जा मैं मोटर चालू करती हूँ। ये हमारा मोटर चालू कर रहे है, मोटर चालू कर और यहाँ से पानी आएगा एकदम पास। ऐसा नहीं कर बाबा, चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए और ज़रूर ज़रूर मेरा पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना। हम अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।